वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन मोड में उतरने के काफ़ी सुखद परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश के 75 में से 15 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। बीते 24 घंटे में 42 नए संक्रमित लोग मिले हैं, जबकि 64 लोगों को इस महामारी से छुटकारा भी मिला है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बहराइच, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र में अब कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी एक्टिव केस नहीं है। ये जिले आज कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,48,218 टेस्टिंग हुई है। विगत 24 घंटों में टेस्टिंग में 49 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि मात्र 26 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। इस दौरान 64 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्ति मिली है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव कोविड केस की संख्या 446 है। प्रदेश में अब तक 6,88,62,712 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। अब तक 16,85,689 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 88.7% है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। उत्तर प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के प्रयास में कोरोना रोधी टीका लगाया गया। अब तक 5,70,85,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। शुक्रवार को 7,24,335 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाया गया। अब तक कुल 4,81,47,000 से अधिक लोगों से कम कोविड की एक एक खुराक दी गई है। अब तक 89,87,000 से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।